एमपी अजब है, सबसे गजब है। अब यहाँ राशन के गबन का मामला भी सामने आया है। सरकारी उचित मूल्य दुकान के राशन का गबन करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनको इनकी सबसे सही जगह जेल पहुंचा दिया है। ये मामला ताला थाना अंतर्गत जिन्ना का है, जहां पर माह नवंबर 2022 से लेकर 22 फरवरी तक सेल्समैन व समिति प्रबंधक द्वारा राशन का वितरण लोगों को नहीं किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने SDM अमरापाटन को शिकायत की। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी और पटवारी ने इस मामले की जांच कर प्रतिवेदन SDM को सौंप दिया। जांच में पाया गया कि उनके द्वारा राशन वितरण न करके उसका गबन किया गया है, जिस पर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार जड़िया ने FIR ताला थाने में दर्ज करवाई। ताला थाना पुलिस ने कई धाराओं में समिति प्रबंधक प्रदीप मिश्रा निवासी ककलपुर व सेल्समैन कामता सिंह तिवारी पर FIR दर्ज की। उसके बाद ये दोनों आरोपी फरार हो गए। अब पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अमरापाटन न्यायालय में पेश किया, जहां से इस सेल्समैन व समिति प्रबंधक को न्यायालय ने जेल भेज दिया। इसमें हुआ यह है कि ये जिन्ना सहकारी सेवा समिति सरकारी दुकान थी, उसमें सेल्समैन कामता सिंह तिवारी और मैनेजर प्रदीप मिश्रा के द्वारा नवंबर दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में हितग्राहियों को अनाज का वितरण नहीं किया गया। और जब हितग्राहियों ने इसका शिकायत किया तो प्रारंभिक स्तर पर सेवा सहकारी ये सहकारिता विस्तार अधिकारी और पटवारी द्वारा जांच की, जिसे पाया गया कि इसमें कुछ वास्तविकता है। फिर आपूर्ति अधिकारी ब्रजेंद्र जड़िया के द्वारा इस मामले की विस्तृत जांच की गई तो उसमें पाया गया कि करीब 7.5 लाख रुपए की अनाज का इन लोगों ने गबन किया है, जिसके आधार पर फिर मई 2023 में ब्रजेंद्र जड़िया के द्वारा FIR दर्ज कराई गई। विवेचना चलती रही, 3/7 ईसी एक्ट में FIR दर्ज हुई थी। फिर बाद में अभियोजन से राय के पश्चात इसमें 409 बढ़ाई गई भारतीय दंड संहिता की, और आज आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।